एक स्टीप से रास्ते पे चढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा होटल है वो पड़ता है इस जगह की बैक साइड पे हाँ। और इस जगह के लिए गेट भी है प्रॉपर एंट्रेंस वो सामने से मेन रोड से है बट अगर आप यहाँ से भी आ जाओ तो ऊपर आपको टिकट मिल जाती है और इस जगह का नाम है व्यास छतरी। So guys, we have entered Vyas Chhatri somehow from the back side, but यहाँ ऊपर आके टिकट मिल जाती है। देख रहे हैं पीछे छतरियाँ हैं जैसी, ऐसी ही छतरियाँ हैं ये Vyas Chhatri इसलिए फेमस है। हम अच्छा सनसेट कैप्चर कर पाएंगे आज। तो दोस्तों हम आ चुके हैं Vyas Chhatri पर और Vyas Chhatri पे बहुत फेमस है किस चीज के लिए? सनसेट के लिए। तो हम सनसेट कैप्चर करने आए, जो हमारा परसों रह गया था आज हमने वो मैजिकल सनसेट कैप्चर किया है। ये जैसलमेर की वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है अगर आपको शाम को आना है सनराइज देखने के लिए, सनसेट देखने के लिए। हमारा सनराइज और सनसेट बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो सनसेट देखने के लिए अगर आपको आना है तो आप यहाँ आइए और ये मस्ट विजिट है, यहाँ पे जरूर आइए एक बार, बहुत अच्छा लगेगा आपको आके सीरियसली, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक क्रिमेशन पॉइंट है, यहाँ पे जलाया जाता है लोगों को, यहाँ पर बाल भी कटे हुए हैं, बट उस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये फिर भी एक पीसफुल जगह है, तो ऐसा नहीं लगता है कि क्रिमेशन पॉइंट है, ये बहुत सुंदर सा लगता है और शांति मिलती है। कहने को मतलब यहाँ पर जिंदगी खत्म करी जाती है, बट ऐसा लगता है यहाँ पर से कहीं जिंदगी शुरू होती है। वो देखो सन क्लाउड के पीछे जा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। हमारे को आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करनी है तो हम कर रहे हैं, वरना उस तरफ का व्यू मतलब हमें उधर होना चाहिए कायदे से, हम आपको दिखाना चाहते हैं। मुझे जैसलमेर आके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं राजस्थान की हूँ, राजस्थान में रही हुई हूँ, लेकिन फिर भी जैसलमेर मेरे लिए एक न्यू प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे जो घर बने हुए जिस तरीके से, जो झील है अलग डिफरेंट, मतलब है राजस्थान में लेकिन ये भी डिफरेंट है अपना राजस्थान में, ये अलग टेस्ट है। ये गोल्डन सिटी, इसके घरों की अपील बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत सुंदर है। और ये फोर्ट की तो बात ही मत करो, द ओनली लिविंग फोर्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फोर्ट जहाँ पर लोग रहते हैं अभी भी और वो वर्किंग है, मतलब पूरा उसके प्रोसीजर्स अभी भी होते हैं प्रॉपर उस फोर्ट के अंदर, वो जबरदस्त था। गाड़ी सर लेक भी बहुत शांत थी, और शाम को जाओ उसको विजिट करने, बोटिंग करो वहाँ पे। और आज तनोट माता जहाँ पे हम जाके आए वहाँ की राइड बहुत अच्छी है, वहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है, और उसमें से आपको जो सबसे बड़े यहाँ के राजस्थान के अभी तक के जो हमने सैंड ड्यून्स देखे आपको वहाँ दिखेंगे, जो उससे रिलेटेड हिस्ट्री है उसकी, तो उसका कहना ही क्या, मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्पेक्टेकुलर है। कल जाएंगे सैम मतलब कि सैम ड्यून्स, सैंड ड्यून्स नहीं, सैम मतलब सैम कुछ लोग बोलते हैं, पर यहाँ के जैसलमेरी लोग क्या बोलते हैं, सम क्या है, सम वो जगह है जब आप जैसलमेर टाइप करते हो ना गूगल पे तो गूगल से सबसे पहली फोटो दिखाता है वो सम। पधारो हमारे देश वाली स्टाइल, जहाँ कैमल होता है एक सैंड ड्यून के ऊपर, मतलब हर किसी ने वो मतलब जो प्रॉपर सैंड ड्यून होता है जहाँ पे गाड़ी चल रही होती है, कैमल चल दिखते हैं आपको, डांस राजस्थानी हो रहा होता है, वो सारा सम की फोटो आती है जब, तो हम कल वहाँ जाएं। तो फिर हम कल वहाँ जाने के बाद हमारा जैसलमेर का ट्रिप खत्म हो जाएगा, सिटी आज खत्म हो जाएगी, अब कल हम आपको सम चल के दिखाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जगह है हमारी जोधपुर कॉलिंग द न्यू सिटी। हम बहुत एक्साइटेड हैं, अभी तक बहुत मजा आया, हम थक बहुत गए, हम बस खाने का वेट कर रहे हैं, हम खाएंगे, हमें भूख लगी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया।
अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। दो शोज की टाइमिंग होती है, एक 6:30 1:30। हमने सोचा हम लेट वाले शो में चले जाएंगे क्योंकि हम पहले वहाँ पे शूट कर रहे थे। ऐसा हुआ कि वो उन्होंने बोला कि कोई लोग आए नहीं है, सिर्फ आप ही दो 7:30 के शो वाले में। लास्ट जो 6:30 वाला शो है वो खत्म हो रहा है, उसमें थोड़ा सा देखा। दोस्तों बात ऐसी है कि ये भी एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है और इंडिया में परफॉर्मिंग आर्ट्स की वैल्यू खत्म होती जा रही है। पपेट्री की बिल्कुल अब वैल्यू नहीं बची है, थिएटर की स्टिल अभी थोड़ी बहुत रेलेवेंस है। परफॉर्मिंग आर्ट्स की वैल्यू खत्म होती जा रही है तो लोग कहते हैं कि मतलब उनका खाने का भी पैसा नहीं निकल पा रहा। तो अंकल ने कहा था बेटा सिर्फ तुम दोनों के लिए करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। कहते बेटा वरना शो होता है, लोग होते हैं तो मैं करवा देता हूँ, 4-5 भी होते, बट आप लोग सिर्फ दो थे तो इन्होंने इसलिए नहीं करा। जो छोटी मोटी लास्ट की 1-2 सेकंड की क्लिप थी वो मैंने आपको दिखा दी थी, जो थी वो मैं पूरा शो हमने नहीं देखा है तो हमारे को कोई आइडिया नहीं है स्टोरी क्या है। हमने भी उतने देखा है। अंकल ने वो बोला कि अगर आपने ये पपेट शो नहीं देखा जैसलमेर का तो मतलब आपने पूरा जैसलमेर देखा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ पपेट शो में सिर्फ ये पपेट हिला के नहीं दिखाते हैं, पूरी स्टोरी बताते हैं कहाँ से पपेट बने, कैसे आए, कैसे चलाते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कल्चर क्या है इनका, पूरी कहानी होती है। सिर्फ एक पपेट्री शो नहीं है, तो इस बात का मेरे को थोड़ा बहुत दुख भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम कभी लाइफ में आएंगे यहाँ पर तो फिर रिपीट करें। ये इस बार हो नहीं पाया क्योंकि कल हमारे को और जगह जाना है तो यहाँ फिर से नहीं आ पाएंगे हम, तो रिग्रेट नहीं रखना चाहिए। ये है डेजर्ट कल्चरल म्यूजियम, आप प्लीज यहाँ पे आए और ये पपेट शो को लाइव करें, क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं उनका भी मतलब वो आर्टिस्ट हैं, वो पपेट के आर्टिस्ट हैं, अगर ये कला ही खत्म हो जाएगी तो फिर वो कहाँ जाए। उनको सपोर्ट करो, थोड़ा यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर अगर आप इनकी शो देखोगे तो उनकी वैसे भी आप हेल्प कर रहे हो, आकर भी हेल्प कर रहे हो, बट आपको एंटरटेनमेंट पूरी होगी क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है। पपेट शो तो नहीं देखने को मिला लेकिन हमने पॉपकॉर्न ले लिए, एज यूजुअल हर जगह जाते हैं पॉपकॉर्न जरूर खाते हैं। दोस्तों कल्चरल म्यूजियम से आने के बाद, निराश होने के बाद, अब हम एक जगह खाना खाने आए चिकन, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज मिलता है, खाना खाते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे भी रोज स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं, मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उस पे एक्टिव रहें, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। एडियोस अमिगोस।